प्यारे बच्चों, जब आपको स्कूल आना होता है तब आप स्कूल कैसे आते हैं? आपका स्कूल तो आपके गांव में ही है, तो आप पैदल पैदल आते हैं। लेकिन जब आपको दूर समोसे या जलेबी खरीदने जाना होता है तब आप कैसे जाते हैं? साइकिल चलाकर। हाँ, बहुत सारे बच्चे साइकिल चला लेते हैं। अच्छा, जब आप लोग को आपके नानी नानी के यहाँ, जो कि बहुत दूर है, वहां जाना पड़ता है तब आप कैसे जाते हैं? बस से, ट्रेन से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये जो साइकिल, स्कूटर, ट्रेन, बस, ये सारी चीजें हैं, जानते हो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी यातायात के साधन। ये हमारी मदद करते हैं किस चीज में? हमें एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा देने में। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हमें सड़क सड़क जाना है तब तो हम साइकिल, स्कूटर, इनसे सबसे चले गए। लेकिन अगर हमें पानी में जाना है फिर? तो पानी में तो तैर के जा सकते हैं ना, लेकिन तब तो हम भीग जाएंगे। तो कैसे जाएंगे? नाव से जाएंगे। वेरी गुड। अच्छा, अगर हमारा मन है कि हम कहीं पे बहुत जल्दी पहुंच जाएं और हम उड़ के जाएं, तब हम कैसे जाएंगे? तब हम एरोप्लेन से जाएंगे। बहुत अच्छा। तो आज हम लोग ये जो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट चैप्टर है, इसमें एक पोयम दी है और बहुत अच्छी पोयम है आपकी बुक में, तो आज हम लोग ये पोयम पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लोग भी इसको घर से ही दोहराइएगा। The wheels on the bus goes round, round, round. The wheels on the bus goes round and round. The horn on the bus goes pom pom pom. The horn on the bus goes pom 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 pom. तो कितनी छोटी सी पोयम है लेकिन कितनी अच्छी है। इसमें कहा क्या गया है? जो बस होती है उसके जो व्हील होते हैं, व्हील क्या होते हैं? ये जो ये पहिया, ये साइकिल का पहिया, कार का पहिया, बस का पहिया, किसी चीज का भी पहिया, उसको व्हील बोलते हैं। वो कैसे चलता है? वो राउंड राउंड, ऐसे गोल गोल घूम के चलता है, वही बात बोली है। और जो इसका हॉर्न होता है, तो हॉर्न कैसे बोलता है? पॉप 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 पॉप। तो वही इस पोयम में कहा है। तो आप लोग इस पोयम को बार बार सुनकर याद करिएगा। अच्छा, एक काम और है, आप लोगों को एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट में आपको क्या करना है? ये जो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, आपको पानी में चलने वाले, जमीन पे चलने वाले, हवा में उड़ने वाले, इनकी अलग अलग नाम लिखने हैं। हाँ, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे थोड़े से बताए हैं और होते तो बहुत सारे हैं, और मुझे पता है कि आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं और आप लोग ये काम जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में, तब तक के लिए बाय।